याद करेंगी। अलहमदुल्ला आपकी आमद देख
अंदर किसी की ओर ही है कि आपने दार्शनिक लोगों की मोहब्बत का हक अदा किया और आप साबित कर रहे हैं कि हमें हम रक्त और गुलाब के बराबर होकर दार्शनिक लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये कोई तकरीरी मजलिस नहीं है या कोई अजमत उलमा जीवन कार्यक्रम से ऐसा नहीं है कि मुगलिन आने और दार्शनिक जीवन के कार्यों को इजहार ख्याल करें। हमारी जुबान जो कह सकती है दार्शनिक जीवन के बारे में, अकादमी के बारे में, हमारे अकादमी इस्लाम के बारे में, इससे ज्यादा मजबूत के साथ सकता हूं हमारे खून के सड़े सड़े में दार्शनिक जीवन की हमारी जुबानों के कहने से ज्यादा मोहब्बत। अभी के बाद में आपने फरमाया कि मेरे पास जो कारोबार आते हैं एक हक पर होता है, बाकी पर होता है। बाकी पर जो होता है वो चल जुबान होता है और जुबान के बलबोटे पर मुकदमा जीत कर करा जाता है, लेकिन अल्लाह के यहां वो मालूम है। तो बाद में कहा दिन में सत्ताईस हफ्ते ही आदमी जुबान से कमा और माफी जमीन अदा नहीं कर सकता। हम दार्शनिक जीवन के बारे में माफी जमीन अदा की जुबान से नहीं कर सकते, लेकिन खून निकलेगा उनके पत्र पत्र में इंशाल्लाह कहीं से कभी नजर आएगा, कहीं जाएगा महादेव वकी नजर आएगा, कई हद से इस्लाम नजर आएंगे। एक ही किताब अच्छा से दार्शनिक जीवन के दौरान भी हमारे दिलों के अंदर अजमत की जात लेके जाती है। बहरहाल हमारे रोजगार के लिए मजलिस को का इंतजाम किया गया, निकाल किया गया है कोई तकलीफ और कोई जो है दार्शनिक जीवन के ताल्लुक से कांतरण से व्यवस्था रखी नहीं है। मैं चूंकि हदीस में परमात्मा ने फरमाया कि अमीर फाजिला के बगैर कोई फाजिला चलता है तो उसका जो अमीर होता है वो शैतान होता है। इस फाजिले की सदारत के लिए मैं सारे नमदार पाए दामन बरसातों में आलिया को देख करता हूँ कि वो मजीद की वो सदारत करवा ले और किसी कारण से उधार लगा करना हो सदर मजबूत से इजाजत लें और जो करना हो वहां पर मदद न करें, आपत्ति को कबूल ना करें, आपत्ति का वादा का ख्याल ना करें। जो भी जिस अंदाज में चाहे वो कह सकता है, हम अपने दिलों की भड़ास निकालने के लिए, अपने दिलों के जज्बात के इजहार के लिए आए हैं। एक दूसरे की तनकीद करने के बजाय अपना जो माफी जमीर है और अपने जो ख्याल हैं कोई बुरी बात नहीं है। दिन रखना निभाव की बात है, मुझे की बात करना अच्छी बात नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए और आपको मालूम है छोटे मोटे जो इदारे होते हैं उन इदारों के हमारे कदीम होते हैं, यानी उस इदारे के जो कालीन होते हैं उनकी एक यूनिटी होती है, उनकी एक आंदोलन होती है। दार्शनिक जीवन बड़े अफसोस की बात है कि इन इदारे तौर पर इकाइयों में बटे हुए हैं इसके अपना और अंदाज। हालांकि हर एक शरीर में दार्शनिक जीवन का बड़ा कार्य हो या दार्शनिक जीवन के जो दैनिक इदारे हैं और उसके रास्ते में आते हैं उनके कार्य हर किसी को इस उम्र मदारों से मोहब्बत है, लेकिन जो अकाइयों में तकसीम हो गए हैं वहां वो कर रहा है, वहां वो मछली की तरह मचल रहा है। तो इसीलिए आज के की जरूरत ये महसूस हुई कि हम मुतलिक होकर छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, कोई अंदर चाहे मन मिला के अंदर सफर बोलता है गाली को उसका मिजाज है, कोई मन बोलता है उसका मिजाज है, कोई समझिए अलग चीजें हैं। जब अपनी माँ की किस्मत इस पर और पापदावनी पर आंच आ रही हो बच्चों का आपस में लड़ना झगड़ना तो बहुत बुरी बात होती है और जो बेटा नहीं देगा हमने दामन जीवन का नमक खाया है, दामन जीवन की चाल रही है, तो दामन जीवन के लिए हमारे अकादमी की क्या कुर्बानियां रही हैं। आप जानते हैं कि ये जो कर्नाटक का बच्चे इदारा है जिसको सभी बचा कहा जाता है और हकीकत में मैं कहता हूँ आदमी को अपने कहने का हक है, जिसको कभी नहीं पता कहना हक जाहिर होगा। आज
सब के लिए, सबके रास्ते के लिए और हमारे आदमी और हमारे जिंदगी और दारुण जीवन के मकसद और मशरत के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, जो मकर का रुकावट बढ़ाता है, वो कोई और मकर नहीं रजामानी अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं और बैली और मकली वो मुस्बत अंदाज में अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मकर दारुण और मकर दारुण जीवन के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है और जब से सबसे बड़ी चीज जो हायल है, ये वो मसला है जो सभी बात है कि वो हर मोड़ पर आप तारीख उठाकर देखें कि कोई भी मकर फिकर बाकी मकर फिकर जब वो इस तरह नश्म नमा की हालत उसकी होती है तो वो कोशिश ये करता है कि अपनी शनाख्त बनाने के लिए हर वो मसला जिसको मद्दे मकाबिल जमा और मद्दे मकाबिल मकर फिकर जो चीज भला कहता है या हराम कहता है। आप उठाकर देखिए आपके मन नापाक है, उन्होंने कहा पाक है, उन्होंने कहा कि हरी नापाक है, उन्होंने कहा पाक है, उन्होंने कहा कि विकास नापाक है, उन्होंने कहा पाक है, उन्होंने कहा कि जानवर उनका जो पेशा है पाकाना नाता है, उन्होंने कहा पाक है, बुजुर्ग अधिकार है। आप उठा करके ये हर बाकी जमा और हर बाकी कृषि की जो अदालत है उससे बराबर नहीं करो बना या तो दूर जाकर करो। हर बाकी तरीके की अलामत है कि इलाज में दुश्मनी में वो सिर्फ आदत करते चले जाते हैं। ये जो शरीर सपाप का मुख्य नजर है आप देखिए, दासिम जैन ने कहा कि ईदई जमा मुकाबला करना यह इलाके सुंदर है। उन्होंने इस पर कठिन जो है तहरीर चलाई कि मुकाबला करना इबादत है, मुकाबला करना इबादत है। सातों के कामों से अकादमी का पत्र आया, उन्होंने कभी तहरीर चलाई कि जिन की बात सुनना, कान सुनना, पढ़ना, ये कौन से गुनाह की बात है। दारुण जौहर ने मसला जो है शुरू किया, इस नजीक में शरीफ में हमारा रियाज कार्य दर्शन करा के मजबूत है कि मारदा के नाकाराजी के अंदर दारुण जौहर का मसला है कि इतना जायज नहीं है। इसकी शक्ल उलमा ने बयान की है वो उससे जायज नहीं है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उन्होंने कहा ना सिर्फ एक लेना जाए हो बल्कि लेना मुस्कार है। दारुण जौहर ने कहा कि मखलूक खुदबा अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा कि मखलूक खुदबा ही शरीयत का लिबास है, कारण नंबर खुदबा नहीं होना चाहिए। दारुण जौहर ने कहा कि सुबी दुआ अफजल है, उन्होंने कहा कि सुबी दुआ नहीं करना चाहिए, गहरी दुआ करना चाहिए। ये कुछ यहां पर है दारुण जौहर ने कहा ये कारण है जो जो चाहता के बाद जो बना जाता है जो तरजीहत करी जाती है ये किया नजर की जात है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मुस्ताहब है कि इमाम और मुसलमान खामोश बैठे जरूर बात करें या क्योंकि ये तरामी कर सभी के उसी के अंदर लगाया। इन्होंने जिस के अंदर कहा कि वो बरबदा तरजीहत को पढ़ा जाए और ये पढ़ना मुस्ताहब है, ये किसी भी बाकी तरीके की ये अदालत है, ये नैतानी है कि आज हफ्ते मसाइल का उस तरीके से जो है वो मुकाबला करते हैं और फिर उसके बाद मंत्री अंदाज के अंदर इस तरीके से काम किया करते हैं। और बाकी तरीके की सबसे बड़ी नैतान ये है कि उनके जो मसाइल होते हैं, उनके जो उसूल होते हैं और उनके जो जवाब होते हैं और उनका जो मेन पशु होता है हम वो अच्छा नहीं होता और कहीं और कहीं के अंदर नहीं गए। आप देखिएगा कि कादियानियों की जो किताबें हैं वो मंजर आम पर नहीं आती और आसानी से वो तैयार नहीं है। जैसे दिल्ली काफाना करने के बाद उसे सुना देती है तो तेरे गांधी का जब उनकी इब्तदाई मंत्र नुमा होती है तो कहीं ये सिक्का राइज वक्त ना बने और छोटा सिक्का कार्य कर रहा है, तो इसलिए एक एक मसला एक एक मसला जो ढकेलते हैं ताकि फिर उसके बाद एक मरमदा शक्ल को अपना सके। आप देखिए दारुण जीवन का मकर इतर है, मजरब है, मजर उलमा का है, मजाइल का है, मुकाबलों का है, हमारे कादरीन का खुल्लम खुल्ला इन्होंने इंटर लिखे, इन्होंने बयानात के अंदर इस चीज को जो है मंदिर आम पर लाया। ये जो शरीर सरकार है इसका क्या मकसद इतर है, ये किस जो है रास्ते पर ले जाना चाहता है, ये क्या तरीका देना चाहता है। जहां गांधी एक बात कहता है कि ये कहकर कि भाई ये चुनाव का मसला है, ये जुलूस का मसला है और उनकी जो सरहदें हैं वो भोपाल पर खत्म हो जाती है और इस किस्म के साथ के हरम मस्जिद के अंदर मदीना तैयबा के अंदर मुसल्ली के आगे से
अगर नमाजी और कोई आदमी गुजर जाता है नमाजी के आगे से गुजर सकता है, लेकिन यहाँ अपनी मस्जिद के अंदर नहीं गुजर सकता, तो जगह के बदलने से आकाम बदल जाते हैं, जो कि वहाँ बिगड़ी जा सकती है, किया जा सकता है, वह अपनी मस्जिद में अपनी ईदगाह के अंदर नहीं कर सकते। तो मालूम हुआ कि जुर्म का मसला और है, और कहे जुनूब जल्लो का करना मसला और है। इन्होंने इस शरीयत को जो है कुत्तों के अंदर इन्होंने तकसीम कर दिया, और बड़े खतरनाक इनके अजाइम हैं और मंसूबे हैं कि बाकी जेवन के मकले फिक्र के मानने वालों को से मुकदमे को हानि करा दिया जाए, जिंदा को हानि करा दिया जाए, और फिर लगा लगा इनका जो नजरिया है वो नजरिया आप जानते हैं कि अगर जो भाईता गुजरा है उसमें दिन के अंदर रीमिक्स दिन आपका जो गाने आते हैं उसमें से थोड़ा ले लिया, उसमें से थोड़ा ले लिया, तो इस तरीके से अकबर ने रीमिक्स दिन बनाया था। इनका से कुछ ले लिया और हिंदुओं से कुछ ले लिया, यहूदियों से कुछ ले लिया, ताकि हर तरीके की औरत से वो शादी कर सके। तो अकबर ने जैसे रीमिक्स अब हमने इलाही बनाया, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि ये जो शरीर बता रहे ये मिक्स जो है मतलब में बना रहा है कि हर मकसद फिक्र वाले खुश हो जाए, हर जगह जमा वाले राजी हो जाए, तमाम खुश हो जाए, लेकिन एक फिक्रा राजी ना हो वह अल्लाह का अल्लाह के नबी के मानने वाले का। जब इनका दिन रखने लगा है कि हर लड़के को साथ लेकर चलना है, और वक्त करने पर इनने चलने साबित का साथ दिया, वक्त करने पर तुमने नवेलिया का साथ दिया, वक्त करने पर किया का साथ दिया, वक्त करने पर तुमने हराम जोरों का जोरों का साथ दिया, वक्त करने पर तुमने रजाकारियों का साथ दिया, ये कहकर के कितना भी चीज है सबको लेकर चलेंगे। फातिहा कोई बड़ा मसला नहीं है, मगरिब का कोई बड़ा मसला नहीं है, सबको लेकर चलना है। हमने चुप कर रहे थे, हमारे अकादमी ने बाद में जेवर यहाँ नकली लुलूम पहुंचते थे,
यहाँ काठमंडा पहुँचते थे, यहाँ विश्वनाथ पहुँचते थे, यहाँ जो है पहुँचते थे। लेकिन एक कवि उदारा होने के नाते आप कह सकते हैं कि कवि उन्होंने हमारे अकादमी को मजबूत नहीं किया, कई साथ को मजबूत नहीं किया, बल्कि एक खास मतलब और वतन रखने वाले जो उनकी जहनीत के हामी है और वो नीली काम करने वाले हैं, उनको मुहालते में रखकर इन जो चार उलमा को हमेशा इस्तेमाल बड़ा इस्लाम कार्य हालांकि इन लोगों को मौजूदा उलमा के अंदर मराना तालीम साहेब है, मराना हारिफ सैफुल्लाह का रहमानी है, हालांकि दारुल यमन के दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके सामने मिली मसाइल का नक्शा रखकर कि हम मिली काम कर रहे हैं, इख्तलाफात से बाला पर होकर हम कौम को जो है आगे ले जाना चाहते हैं, इतने मुबारक में रखकर ये जो है अपने यहाँ के उलमा को बुलाकर अपने तलबा को जमात में निकालकर सुपेद लिबास को अपनाकर अपनी नीबत दारुल यमन की तरफ करकर ये इंप्रेशन देते हैं कौन को कि हम जिंदा और गंगा में दारुल यमन के हम एक सज्जन हैं, हमारे उस्ताद जो है वहाँ जो सैफुल हदीस है वहाँ से पढ़े हुए हैं और फिर हमारे बच्चे जमाते में नहीं जाते हैं। आलमी इस तरह जो पहला हुआ था भरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरकर्दगी के अंदर आप जो है किया था तो हमारे दामों शरीर विकास और शरीर प्रताप के इहाते के अंदर हुआ था। किस किस्म का इंप्रेशन, किस किस्म का आपको जो है आवाम के अंदर देकर उलमा के अंदर देकर एक जमाने तक लोगों को इन्होंने गुमराह कर रखा था और लोगों को मुबारक देने का रखा था। अगर आप मैं नहीं कह रहा कि ये खत्म हो जाना चाहिए, इसका वजूद भी जाना चाहिए और ये सैयद कायद की गद्दी वो लाकर यहाँ पर हम रख लें और जो है उसको हम दारुल जीवन का एक वर्जन बना दें और एक ज्ञान बना दें। ये हिंदुस्तान बिल्कुल अद्भुत है, ये हिंदुस्तान जंगल मुल्क है, यहाँ पर जंगलों की पूजा करने वाले रह सकते हैं, यहाँ पर कुत्तों की पूजा करने वाले, यहाँ पर इंसान के शर्मदार और इंसान के अजू और औरत की शर्मदार को पूजा करने वाले रह सकते हैं, और मकसद की तरह रह सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। आदमी के लिए एतराज है, मनवी नुक्ते नजर से वही एतराज हमें मकसद की नुक्ते नजर से इन लोगों से है। आदमी से क्या एतराज है, अपना एक मजहब का चुनिंदा तुम बना लो, अपना तुम जो है एक नहीं सिर्फ को बना लो, तुम काम करो, लेकिन मोहम्मद का पसंद का कलीमा के आर क्यों देते हो, कलीमा सही बात आ रही है, एक तरफ हमारा इसी बात सत्तर भी कहा कि क्या तक रहेगा, तुम जो है हजारों मालक आदत छोड़ लो, तुम औरतों को बुला लो, जो चाहे कर लो, लेकिन कलीमा का नाम ना करो। इसी तरीके से हम इनको कह रहे हैं कि तुम जो चाहे कर लो, तुम जो है घर के अंदर जोहरी रख लो, पजा में चुनी रख लो, हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलि कौने भरती हैं, मुख्तलि मकाबले की तरह तुम, लेकिन दारुल यमन का नाम ना करो, नाजरीन का नाम ना करो, अगर लेते हो तो पुरुष की पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, कट जाओ हमारे भाई से, कट जाओ अलग हो जाओ, भरे भी अलग हो गया, रजहानी अलग हो गया, भर मकानी अलग हो गया, कंटी अलग हो गया, ये अलग हो गया। दारुल किसी का मौलाद नहीं है, उसके जो है दो एक शुरू हुआ था वो दो पर भी खत्म हो जाएगा, उसकी किरणें आलम के अंदर फैलेंगे। तो आज भी इस वजीद का जो इंकार किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि इस कितने को उन्नम खुल्ला नाम लेकर अभी काफिल शरीयत की जो है मेरा ख्याल है, ये मेरे दिल की बातें हैं, आपको अपने इजारे ख्याल की आजादी है, पहले जो है मजलिस की इजाजत से और एक दूसरे पर आतंकी बनाकर, ये मेरा नजरिया है कि काफिल शरीयत को बदलते हुए इंकार का मकसद ये नहीं था कि इस्लाम माचरा है, ये कहकर बात नहीं चलाई गई थी कि टीवी को खत्म करना है और काफी की बुरा, ये जीवनी चीज थी, ये तो सब जानते हैं कि टीवी बुरी चीज है और काफी के रसूम और रिवाज ये जो है खतरनाक किरण की चीजें हैं, बात ये कहकर चलाई गई थी जहां तक हम समझते हैं कि ये जो खतरनाक कितना है जो अटका बनकर हमारे अकादमी और कानून जीवन के प्रबंधन के लिए ये डट रहा है इनको और ये रुकावट बना हुआ है, इस कितने का ऐसे खिलाफ कमा किया जाए। और ये सोच लेना कि दूसरे जो है शहर के अंदर हमारे मस्जिदों के अंदर मौजूद है जो उलमा का दुश्मन है, जो आसपास का काटता है, जो अकादमी की मेहनतों पर पानी फेंकता है और जो मुकद्दरीन को नहीं मानता और जो मुजाहिदों को नहीं मानता, जिसके साथ ये था कि जिसके ताल्लुक से सामने रखकर जो है इस देश का कॉन्फ्रेंस ग्रुप को आगे बढ़ाना था,
लेकिन जिस अंदाज से मुफ्ती सईद साहब पारंपरिक दावत बताकर आलिया के बयान पर कॉन्फ्रेंस की धारा थी और रुख थी, पता नहीं लग रहा था कि किस मकसद के लिए, किस मुआन के लिए, बदले इस्लाह मातरा के लिए, इस्लाही रुमाना के लिए, इन अकादमी के सामने जो बात कही गई थी वो अपने मकसद के अंदर 100% करी, 1000% वो कामयाब थे। इसलिए तो हमको जो चीज बताई गई थी उसी पर वो चल रहे थे और अलहमदुल्ला वो मंजिल हम तक उन्होंने जो है दिखाई और कहा कि आप ही इस जो है कठिन प्राप्त कर लिएगा। असल मकसद ये है कि ये जो फसादियों का कितना है और उनका जो फसाद है वो गार्लम जेवन के मकसद फिकर के लिए एक अज्जा बना हुआ है, एक रुकावट बना हुआ है। इस अज्जे को कैसे पिछला जाए, इस अज्जे को कैसे मचला जाए और आवाम नाच के अंदर कैसे इस जो है मकसद फिकर की बदाहत की जाए। देखो कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी मदरसे में दाखिल करता है, बच्चे की पूरी जिंदगी और कौन का मतलब भी वो जो है मदरसे को देता है। अगर इनकी टोपियों को देखकर, इनकी पगड़ियों को देखकर और इनके दरकनी ही जमा के रिश्ते को देखकर, अकादमी में दारुल जेमन के नाम को देखकर, भारत में आकर जैसे शाहबलीउल्लाह चिरागी उलूम तालीम नकी उलूम मदरसा है, जिन जुमला मदरसे के एक मदरसा पहुंच कर अपने बच्चे को अगर उसके अंदर वो दाखिल करता है और उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो कहीं जा नहीं रहता। ताकि आप दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए, डॉक्टर निर्मर होना चाहिए या फौरन निर्मर होना चाहिए, और उसका जिम्मेदार है क्या? हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इस मकसद फिक्र की हम वजाहत करते और उसको हम जो है आस्था करते। और दूसरी बात यह है कि बाद लोग कहते हैं कि मुद्दत अंदाज के अंदर नाम लिए बढ़े हम जो है अपना काम करेंगे, ये गलत तरीका है। मैं समझता हूँ मेरा अभी जो है आपको आपको हमारे ख्याल करने का, हमारे तकनीक की जो शुरुआत है लाठी तलवार से है। जब तक हम बाकी के बुतों का सरकने नहीं करेंगे, हम हकी मस्जिद को हाय नहीं करेंगे। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा मौजूद था, लेकिन फतह मक्का के बाद आपने उसे उरूज दिया, अजमतों के आपने उसे पास पहना है, इसलिए कि खुद अभी रखे हुए थे, अभी उसके अंदर माबूदार बाकीला है। लाठी तलवार से जब तक हम इसका किला खड़ा नहीं करेंगे, इस कितने का प्रकरण नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब अपनी मस्जिदों के अंदर इस किस्म की बातें कि भाई दारुल देवबंद के जो उलमा है वो बिकाऊ रहता है, 25-25 हजार के अंदर, 10-10 हजार के अंदर अपनी तस्वीर का सौदा करते हैं, अपने जमीर का, अपने पाप का सौदा करते हैं। कुरान शरीफ को देखने आता है, कोई तस्वीर को देखने आता है, हिम्मत के अंदर कितना प्रकाश डालकर जाते हैं। मुझे उस मजलिस की, जिस मजलिस के अंदर इन लोगों ने बैठकर दारुल देवबंद के अकादरीन की बक्तारी की, जिसके सही साहब दानवता को हम आलिया के दिल में हम कर सकते, तो वो बंदर की मुंह की का अरे तो कर रहा था राज दिल्ला अल्लाह को गलत कर देगा। और एक साहब जो राजी है वो एक मस्जिद के अंदर दौरान जुमा कह रहे थे कि हमारे हजरत ने भी आपका नंबर का तो हम आलिया कितनी मीठी शुद्धता स्वच्छता के लखनऊ का नवाब और रचना का अजीब और शायद इसी जुमान इस्तेमाल ना करे, उन्होंने तकलीफ की। और ये एक घोड़ा चलाने वाले को, रक्षा चलाने वाले को धर्म वो हदीस का बढ़ाता होगा, यह अवकाश है अगर दोबारा के बारे में। तो ये चीजें क्या काबिल बर्दाश्त है? और फिर इन लोगों के मन चुने कि गवर्नमेंट के पास पहुंच कर अगर मोदी पुलिस का दावा बता के हम आलिया पर ध्यान लगा जाए, पाबंदी लगा ली जाए। और फिर इसके बाद मैं कहता हूं कि इस मजलिस के अंदर आप लोगों ने दारुल जेवन जिंदाबाद कह दिया, पर बकत पर बलन जेवन जेवन कह दिया, तो अगर मैं जेवन दिया तो मुझे खुशी होनी चाहिए। बाद में कहा गया अमीर शरीय मुर्दाबाद, अशरफ अली मुर्दाबाद, कभी नहीं पता मुर्दाबाद, ये नहीं कहा गया। वहां तो दारुल जेवन के नारे लगाए थे, आपने दारुल जेवन का नारा लगाया था, आपने दारुल जेवन का शहर लगाया था, तो एक नारा आप भी लगा देते, आप खुशी हो जाती। नाबियत होने लगी कि किसी की जो है शरीर हो गई और जख्मी हो गया, इज्जत मिल गई और मंगी पड़ गई, शर्मदा मिल गई, कभी सियासतदानों से लाकर अखबार के अंदर नुमाइश की जा रही है। नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके दिल को सम्मान पहुंचा, कभी मैसूर के हमारी में शहर, कभी जो है चिकमंगलूर के हमारी में शहर, और कभी किसी इलाके के हमारी में शहर जो है बाकी टोला बटोला पहुंच रहे हैं और जाकर काबिलियत कर रहे हैं। साथियों की बाकी के नारे लगा दिए गए, नारे का शरीर रहता के मतलब आपके लगाए गए नारे, अमीर इसलिए मतलब आपको खुश होना चाहिए था,
आपको साथ देना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि और बच्चे जोर से लगाओ, और बच्चे जोर से लगाओ, आपका घर का कामयाब हो गया, तुम्हारे नारों के लिए खुश हो गया, तुम्हारा चलना और तुम्हारा करना इस बात की जरूरी है, लेकिन इसके नाम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके नारे को भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब पाकिस्तान से बहुत ऊंचा हो सकता है, वो लोग जब अपनी निजी मजलिसों के अंदर अजमा के बयाना के अंदर ज्ञान का नाम देकर, अकादमी का नाम देकर, वहां के जाते हुए फिकर और नफरत का उल्लन चुल्ला फेंका कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये जो आपके सैयद पारंपरिक खिलाने वाले हैं, भारत भाई हैं, अगर मौलाना मुफ्ती शोहबुल्लाह खान बाबा प्रसाद मलाटिया, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मौलाना जैनुल आबिदीन साहब, मौलाना इस्तेहार साहब, हम उनका इकराम करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। आप ये ना समझे कि उनके मकाबले के अंदर यहाँ पर हमने मजलिस को कायम कर दिया, हम ये समझ रहे हैं कि वो जिस धारे पर चल रहे हैं, इन अकादमियों की जो सोच है और जिस रूप पर वो चल रहे हैं, लग रहा है कि हमारी दिल की अरमानें पूरी नहीं हो रही है, बात खुलकर सामने नहीं आ रही है, हमारी मजलिस इनके मकाबले में नहीं, बल्कि हम जो है उसके वाला मिलकर एक राय पर पहुंचकर हम उनके जो है हमारे आदि में पहुंचेंगे, इनके कदम पकड़ेंगे और कहेंगे अगर जब बाकी वाला और जब भक्त लेने वाला इनम खुलना हमारी तौहीद कर रहा है, हमारी तजवीज कर रहा है और अलग प्रणाम जनता की सोच कर अपने मकसद फिक्र की वजाहत कर रहा है, क्या भी वक्त नहीं आया, हम साथ हैं, जान देंगे वक्त बनने पर, मार देंगे वक्त बनने पर, वक्त देंगे जो कुछ करना है करेंगे, लेकिन दार्जिल जीवन की इस पर पारदारी पर हम आज आने नहीं देंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत चर्चा कर लिया, आप भी तैयार ना करें, ये हमारे बड़े थे, ये है, ये रहेंगे, लेकिन हम अपने ख्याल को ले जाकर इनके कदमों पर रखेंगे और जो ये जोन बना रहे हैं तो हम अपने जोन के अंदर खुल्लम खुल्ला हम काम करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, अपने बच्चों को बाकी बना करो, हम कहेंगे जो कुरान का मुहर्रिक होता है वो अमीर जन्नत और दूध की बात, जो मौलवी कहलाए जाने का वो लायक है, जो बिदती है वो अमीर जन्नत और दूध की बात, जो मौलवी कहलाए जाने का लायक है, हमारा काबिलीन का चिंता करता है, हमारा काबिलीन का मजाक करता है, राजम जोगन का जो दुश्मन बना हुआ है और जिसका मुख्य लक्ष्य है कि कर्नाटक की हर मस्जिद हर इदारे में और मकान की हर जगह पर वो अपने मकसद फिक्र के इन नुमाइंदे को हकारत को देखना चाहता है, इन सब चीजों की बाजें जमीन है। मौलाना मजमी साहब जो इस वक्त मिसर के अंदर पढ़ रहे हैं, वो किसी तस्वीर के सिलसिले में वहाँ सभी वर्षा गए हुए थे, शायद इमाम की जिस नदियों में तलाश है जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनके सामने कहा आप बाबा को तलाश करने आए हो, एक वक्त वो होगा कि तुम्हें कर्नाटक की हर मस्जिद के नंबर तलाश के अंदर आपको यही प्रसादी इमाम आपको नजर आएगा, उस वक्त आपको तलाशने की जरूरत नहीं है, प्रसादी मकसद लेकर अगर नसीही की तरह, चारुल्लाह की तरह, चारुल कलाम की तरह, फिरालूम की तरह, बामन यमन का हम जो है जो मकसद फिक्र होता, हम मतलब होता तो हम जो है उसको सलाम करते और उसके पास ये पहुंचाते और हमें जो है उसके लिए भूख नहीं इलाज नहीं, जब दूध और पानी की तरह उनका मतलब और उनका हक जो है फिक्र वाजे हो गया है तो मेरे जो है छोटे ख्याल के अंदर इस दो तीन जो है छोटी चीजें हैं, एक ये है कि हम जो है अपनाए बागम जमन के नाम से एक अंजुमन हम बनाए और उस अंजुमन के तहत ऐसे जो हालात आते हैं इन हालात का हम दिशा करें मुख्य महा तौर पर और आपसी विवाह को आपसी तलाकात को खत्म करकर और फिर जिस किस्म इस वक्त जो इसका कितना है इस कितने को आबाद किया जाए, गूंजे को जुबान आ रही है, जो लोग तकलीफ करना नहीं जानते थे आज हमारे बुजुर्गों की वो तौहीन कर रहे हैं, आज हमारे उलमा की तौहीन कर रहे हैं, हमारे जो है गांधी जीवन के साथ इकराम की वो पूरा पूरा जो है नाम लेकर जो तजवीज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं आता, अभी समझना समझना नहीं आता, रखना क्या है पिता क्या है इनको मालूम नहीं है, ये ऐसा है क्योंकि कोई आदमी सूरज की तरफ देखकर या चांद की तरफ देखकर छूटता है, हमें इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये कहना है निकला है हमारे बारे में शामिल हो जाए, कटना है कट जाओ, हम दुनिया को बता देंगे, कोई सुने बाथरूम का मुखालिफ समझकर डंडा देना चाहे तो दे, कोई सुने बाथरूम जमन का मुखालिफ अमीर इसलिए समझकर जो है अपने फैसलों को रुजू कराना चाहे तो कराए, कोई सुने जो है अपने तालिबे को यह समझकर लेकिन बाथरूम का समझकर
हम होने नहीं देंगे, दावत से तकलीफ का समय अगर हम होने नहीं देंगे, करना है पूरे तरीके से तुम आ जाओ, करना है हम जो है आपकी मजबूत का मेरे दिल के अंदर जो है उसकी बात का मकसद यही है, इसको धारे से काट दिया जाए और इन तमाम उलमा मिलकर और मजबूत उलमा की तारीख लेकर वालों दोनों को एक मकतूब रवाना किया जाए अकादमी की खिदमत के अंदर, कि ये जो फसादी है मुनाफिकाना कत्ल के अंदर आखिरी बनकर आकर बाथरूम जमन पर घर डाल रहे हैं, बाथरूम जमन का नाम प्रदान करते हैं, रोटी बाहर खाते हैं, अभी दानी वहां को पूछते हैं, किताब वहां को मालूम करते हैं, पत्थरदानी वहां को मालूम करते हैं, और वहां से वहां आने के बाद ये लोग जो है कसाब फैलाते हैं और मुनाफत करते हैं, क्योंकि फसादी के साथ आदमी होता है तो लोगों को इश्तरा हो जाता है, तो हम नकादीन के मेरा ये है कि इनको जो है बर्खास्त की जाए, कि इस वक्त जो फसादी फैलाना है इनको निकाल दिया जाए, और जब तक ये तारीफ न हो तहरीरी तौर पर ये अपने गलतियों की गुस्ताखियों की माफी न मांगे और आजनामा जो है तहरीर न करें कि आपका हयात हम जो है आपसे मुंसलिक रहेंगे, आपके इशारों पर चलेंगे, आपके अहकाम की कार्यवाही करेंगे, ये जो है मकसूद उनको भेजा जाए। आप जानते हैं कि सदियों के बाद समोदेश राम जोहन से हम मकसद हम नजर चल ही रहा था, इनके जो मालिक थे मनाली कौन का मरू ये जितने शुरा के रुकन थे वहां का एक कानून का एक बालिका हाजिरी का है हाजिरी का इनकी अगर हाजिरी लगी तो उस बालिके के तहत जब इनको निकाल दिया गया शुरा के वकीलन से उसके बाद इन्होंने अपनी के अंदर इंतकाम की भावना को पाया और उसके बाद वो लोग चल पड़े, इसलिए इनके रुकने शुरा होने के पहले और उसने शुरा के मुअत्तल किए जाने के बाद अगर वहां के तलबा की जहमियत और वहां के मकसद फिक्र के बारे में गौर करेंगे तो ये बात आपको जो है रेजोल्यूशन की तरह अल्लाह हो जाएगी कि ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई से है उन्होंने जो है बाबू जवान से किस सेवा और जानते हैं कि अहमद अल्लाह ये शुरू के अंदर हमारे मकसद करते थे हमारे ख्याल के थे चंद जो है बुनियादी मसाइल पर हिंदुस्तान को दारुल हक कहना चाहिए या दारुल इस्लाम कहना चाहिए, हमारे अकादमी की जो सलाह था जो चीज दिखाई हर वो चीज जो हमारा कहते थे ये इसको जो है हाथ कहने लगा, बुजुर्ग को हाथ कहते थे हाथ कहने लगा, ये इम्तहान की आग बड़ी खतरनाक होती है जिसके अंदर ये जल रहे हैं और जिसके अंदर ये घूम रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जो है मेंबरों का और अपने अक्रम का इस्तेमाल किया अपने मकसद फिक्र की बात के लिए, हर अतीत हर इमाम और हर मदरी और हर मुख्तली और हर भी अखबार अपनी जगह पर रहकर वो जो है इस काम को जो वो कर रहे हैं आगे जाकर वो इस काम को दादू देवन की खिदमात को और फिर उनके जो बरकतें हैं और उनकी जो रूहानियतें हैं उसको बताया जाए और सुन्नत गुल्लाह नाम लेकर कहा जाए, जैसे रजा खानी का हम नाम लेते हैं, बरेली का नाम लेते हैं और वो लोग जब हमारे बुजुर्गों का नाम लेकर मुंह बना बनाकर तहरीर कर रहे हैं तो हमको जवाब देने के क्या शक है, क्या दादू देवन का प्लेटफॉर्म इतना कमजोर है वो होगा तो देखा जाएगा, नारी चलना है जीत हमेशा हाथी हुई है और हाथी होकर रहेगी, हमें खुल्ला खुल्ला मैदान के अंदर आना है और फिर आकर इस जो है खतरनाक कितने का हमें सामना करना है और काफिला हवा करना है देखिए, और फिर उसके बाद आगे की बात में बताता हूँ, ये मतलब है कि हम अगर कॉन्फ्रेंस करें कॉन्फ्रेंस और सभा में दारुल जीवन या अजमत उलमा जीवन का कॉन्फ्रेंस या तहफुज चाहिए उस मजलिस के अंदर काफिले कॉन्फ्रेंस में अल्लाह तबारकुत्तआला ने ऐसा नज़्म किया था अंजाम दिया ऐसा नज़्म किया था कि ये जो मुख्य अशरफ अली साहब वली अशरफ अली साहब इनको मधु नहीं किया गया और मधु करने का कोई इरादा भी नहीं था, बल्कि इन हजरात ने अपने मोबाइल से सिर्फ ऑफ कर लिए थे कि कोई पैगाम हाथ ना आ जाए, जरीर साहब जो है ऑफिसर है उनका फोन आया, अब जलसे के इंतजामी अमूर के तहत जो है फोन को रिसीव करना पड़ता है, फोन को रिसीव किया तो हजरत कयाम देने लगे मैं भी आना चाहता हूँ, कौन बना करेगा भी बड़ी शक्तियत है जी असर शक्तियत है आप तकलीफ खिलाड़ी, अब यहाँ पर आए तो फिर कहने लगे कि हम जो है तकलीफ करेंगे, अब फिर उसमें सलाह करने लगा किसी को आए थी मौका दिया जाना चाहिए और किसी को आए थी कि नहीं दोष दिया जाना चाहिए, बहरहाल मौका दे दिया गया, मैं कहता हूँ कहते हैं कि सब को आंख नहीं है, या आपने जो जुमला सुना था कि दारुल उलूम के रोशन जो सिपाहे थे
लेकिन जो शौक थे यहाँ बाथरूम का मशीन था, यहाँ से रही था, यहाँ बच्ची पकड़ाने वाला था, यहाँ बाथरूम गोहन थे, बताओ शक्तियात नहीं चलता था। इनका तो मुख्तलि करिए है कि हवा का रुख जिस तरफ हो उस तरफ को जो है बाहर चला जाए, लेकिन अल्लाह ने यह किया कि उस ताके तीन फुल पड़कर बगल में जो मुर्दे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के इशारे बड़ा कर रहे थे, वो चाहते कि वो कामयाब की तस्वीर कर रहे थे, वो चाहते इतनी हाँ यहाँ मिलाकर दो चार बातें करकर बात खत्म कर रहे थे। अल्लाह की कसम मैं यहाँ मेरे रसूल पर बैठकर करते रहा हूँ कि ये नींद जान लिया इनका जमात से इश्तहार के अंदर हत्या कहा है जो है उनका नाम नहीं था, काला वाले अलमी वाले जाना नजीब वाले सभी रसाब वाले ये सब एक जो है ताने बाने हैं। इनका तो ये बगैर इजाजत के मुंतजी में जलता के इसने जो है मौलवी असर सभी का नाम इसके अंदर काम किया जान लिया इंतजाम का मुंतजी के तरफ से ऐसा कोई जो है इंतजाम नहीं था, उसको लाया गया तकरीर करवाई गई और कभी भी बाकी पीछे वाले दिल्ली के कहानी से राहत पर उस पर भी जाने वाले, लेकिन आज उन्होंने दिल की बात को जो प्रदान कर दिया है। हमारा मतलब यह है, हमारा मकसद है कि यह है, हमारा मतलब यह है कि तस्वीर दिन का अल्लाह करवाना था, वहां पर पूरा जय ग्लोबल था, वहां पर पूरे आदमी की इजाजत थी, वहां पर हजारों जमा थे, वहां पर हजारों हवामंदार थे जो इस मकर बाकी के नारेजे को देख रहे थे। इन जान लीजा इंतजाम था, फिर उसके बाद हजरत मुफ्ती अली साहब की तकलीफ का कोई प्रचार नहीं था, हजरत मौला तारिक साहब बात बता कहीं आया था जो और उनकी कमजोरी उनका उठाकर राहत का कितना मामला ये हमारे लिए नेमत साबित हो गया। अगर को मैं कराया और उसके बाद आपने मुस्तकम का जो काम किया और आपके लिए अच्छा लगाया और आपने याद को जो जितवाया बिल्कुल जो गिरवाया, मैं कहता हूँ निर्गत होकर यही लोग कुछ लम्हों के लिए जो अपना सला की हाजत करके ए अल्लाह हिदायत दे दे, ए अल्लाह गुमराही से बचा ले, ए अल्लाह के जो है पैमाने को हमें निकाल दे, ये कहकर सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब की तकरीर सुनिए इंशाल्लाह हिदायत के फैसले हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद खिला ये कॉन्फ्रेंस है और ये मीटिंगें करने लगे और कहने लगे कि हजरत की तकरीर तो वाजे थी, हजरत ने खुली ही जो है बयान के अंदर तकरीर के अंदर इतना अच्छा हमने निर्देशन दिया था तो उसको क्या हो गया, उसमें ये क्या होता है कि बाकी कभी भी आपको तकलीफ नहीं करता। कॉन्फ्रेंस करें कॉन्फ्रेंस के जवाब के अंदर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप जूम बनाए जूम के बना मुकाबले में जूम बनाएंगे, हजमत जो हमारा किताब करवाए उसी मुकाबले में वो हजमत रहता प्रसाद करना तकलीफ करवा रहे मार हो मारे जो सह रखकर लगे। मेरा कहना यह है मुझे बताइए कि सही नुकते नजर से जब हम बाकी को इमाम नहीं बना सकते, सही नुकते नजर से पुराने पाप की तहरीफ करने वाले को इमाम नहीं बना सकते, सही नुकते नजर से हमारे अकादमी और उलमा जवान इनको जानना देने वाले को हम जो है हिजाब के अंदर नहीं खड़ा सकते, तो फिर वो अमीर सही कैसे हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हमको साफ कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा अमीर सैयद तुम्हारी जिंदगी धोती तुम्हें मुबारक हो, हमारा दामन जीवन और उसके अन्ना और उसके कजन्ना अपना एक अमीर सैयद मजबूत मुस्तकी अल्लाह वाला जो मुकद्दर कुरान होगा तहरीर करने वाला नहीं होगा, जो लोगों की मुंह लेकिन बातें करेगा। आप कहेंगे ये क्या तरीके की बात है, ये क्या तरीके की बात है, जब रसा पानी में बरेलियों में जानना बिना के अंदर अपना अमीर सैयद बनाया था तो उसका भी बातें क्यों नहीं आ रही थी, उन्होंने बना दिया उनको हक था, इन्होंने बना दिया इनको हक था, हम अपना बना लेंगे। और जब ये शहर रथ पर जब करेगी और शहर रथ पर मार करेगी इंशाला ये फिर मिला पाएंगे, हो सकता है सभा की चौधरी हो जाएंगे। ये मंदिर कभी और ये आपका ये दोनों जो है पक्की के दीवाने हैं, ये नदी के दीवाने हैं, वो जल में जाकर भी हुकूमत कर रहा था, ये ताकि वो संयुक्त कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया के सामने जमीन और आसमान की रही थी, उसके बावजूद भी ये अपनी जिद पर गर्मी पर अनाजियत पर यह कायम है, उसे चोट लगाना है। मैं समझता हूँ कॉन्फ्रेंस से नहीं लगेगी, मीटिंगों से नहीं लगेगी, बयान से नहीं लगेगी, यही गलती है की बात की जाए, हो सकता है कि सौरा के कौन हो जाए, हो सकता है हमारा अकादमी और हमारे नौजवान दिन के कदम और स्तर पर ये माफी मांग ले आपकी राह रात पर आ जाए। एक तो ये हमारे कदीम दासम जीवन एक अंजुमन खड़ा की जाए और दूसरा ये है कि दासम जीवन के जो अकादमी है और
اور جو گردانی ہیں بڑے ہیں سب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ موجودہ ان شتابیوں کو دکھا دیا جائے اور باہر ان کے داخلے پر جسے خاصیانی ہے اور صرف باقیدہ جاننا ہے ان کو کیوں نہیں لیتے ان کو بھی دکھا دیا جائے. آپ جو ہے جب بدا دیکھتے ہیں داری دیکھتے ہیں جمعہ دیکھتے ہیں تو دلوں کے محل کو بھی دیکھیے انہوں کا محل ان کے نظر آنے والا نہیں تھا تو ہم سکیلا حسیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر محل جائے اور آپ نے بھی اس جو ہے کافرت کے اندر وہ دیکھا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم مل کر داخل جیون کے سرگندان مل کر اپنا انگلے شریعے الگ بنائے اپنا دار الخضا الگ بنائے اپنی مارے کے شریعہ الگ بنائے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم پر وہ خیال کو کس نے بنایا یہ لوگ جو بند دیواری کے اندر کچھ رسائیوں کو لے کر بن گئے تھے اخبار کے اندر امام مانیں گے کہ سرگندان دار الجمن ان کی جو ہے دار الجمن کا تاجرین کی گرفتاری کی وجہ سے اور مکر نفرت کی تکلیف سے ہٹنے کی وجہ سے جرا حراس سے ہٹ چکے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھو ہم جو ہے عہدے پہ اگر تک بات ہو گئے ہم اگر عمارت شریعہ پر حامل ہونا چاہتے عمارت شریعہ آج کل کی بات ہے یہ تو موجود بھی ہے ان کی آزادی سے اور یہ بھی ہے آج تک ہم نے کچھ نہیں کہا. ایسی سو سدیاں دارالعلوم دیوبند کی دربانی کے سامنے قربان ہیں ہم جو ہے اس کے طلبگار نہیں ہیں لیکن جب اس کے اندر گناہ نظر آیا بدھ نظر آیا حسد نظر آیا دارالعلوم دیوبند کی جب عدالت نظر آئی تو آئے اس کے ہمارے پاس اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے چاہے ہم جلد کام لینا چاہتے بطور مجبوری ہم جو ہے اس گدی پر زر لگا رہے ہیں ہمیں گدیوں کا شوق نہیں ہے ہم خدمت کرنے والے مجاہدین ہیں ہم من لکھنے والے مجاہدین ہیں چھوٹے موٹے چیزوں پر ہم نہ لکھتے چاہے لوگ تانا دیں بھائی ہمیں ان میں کام کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ جو ہے چار چیزیں تھیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس کے بعد اگر مریض کی اجازت ہے آپ حضرات میں جو جائے تمہارا خیال کرنا تو آپ یہاں آ سکتے ہیں اور تمہارا خیال کروا سکتے ہیں. کسی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. آپ کہیں کہ سب میں رکاو ہونا چاہیے آپ کے حق سے کہنے کا آپ کہیے کہ ہم کی شریعت صحیح ہونا چاہیے آپ جو چاہیں کسی کو کہتے ہیں مجلس کے مطابق تمہارا خیال کی مجلس کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بات کو کھوکھا نہیں ہے. اس مجلس کے جو انعقاد کا مقصد تھا اس کو میں نے سامنے رکھنا تھا میں نے رکھا ہے ہر آدمی ہر عالم ہر بزرگ جو اس سے متفق ہوا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا چاہیے عمل ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ننگی کروا بن جانا چاہیے ورنہ قیامت کے لیے یہ ہمارے اکادمی ہمیں معاف نہیں کریں گے. حضرت شیخ الحی حضرت شیخ اللہ حضرت شیخ اللہ کی قدر یہ معاف نہیں کریں گے. یہ سنیں گے ہمارے سامنے ہمیں گالیاں دی جا رہی تھی دارالعلوم دیوبند مقبرہ فکر کا جنازہ نکالا جا رہا تھا. دارالعلوم دیوبند مقبرہ فکر یہ کوئی مقبرہ فکر نہیں رضا خانیت اور بریلیت کی طرح وہ سنت کا جو دھواں ہے وہ اصحاب صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے جو صحابہ ہے وہ ان کا نمونہ ہے اس کی حفاظت ہے. اس لیے آپ درخواست ہے کہ آپ کسی پیارے بڑھائے خیال کروائے پھر ان شاء اللہ جو ہے صدر مزید کی اجازت سے ہم کسی نتیجے پر پہنچے گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو بے بنا قبول کروائے ہم اس کو خوشیاں بھی نہیں رکھنا چاہے ہم کہتے ہیں کوئی رسانی صاحب آزادی چاہے وہ اپنا اظہار خیال کرنا چاہے انہوں نے جو میٹنگ کی تو اس کے اندر انہوں نے پابندیاں لگائی کہ ہر رسادی نہ آئے اس کا نام دکھائے ٹیلی فون دکھائے نہ کھلا مائک میں کھلے عام میں ہم کہہ رہے کہ آ سکتے ہو سمجھ سکتے ہو تو سمجھو سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ. ہم حق سے دیوانے ہیں ہم باقی سے نفرت کرنے والے ہیں ہم دشمنی ڈالا نہیں ہے ہمیں جو ہے دارالعلوم دیوبند پر جو اتنی ڈالا ہے جو کہ اصل میں برداشت نہیں اللہ ہمارے بچے کو دور کروائے اللہ ہمارے ہی علاج ملا جب مقابلہ کرنا ہی ہے تو شکریہ کو سکتی الگ جگہ مقابلہ ہونا چاہیے اس کا اچھا مقابلہ کرنا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا نادرین کو منتظر کرنا ہے مولانا عبد جتنے بھی ہمارا کام ہے ہمارے ہاتھ ہے ہمارے سامان ہے کہ ہم کیا ہو رہا ہے اور ایک بار مجھے بیان کرنی ہے کہ میں اپنا لوگوں کو میں جا رہا ہوں وہ یہ کاموں کے ہم میں جو بھی ہمارے ہاتھ ہاتھ سے تعلق کرنے والا تمام سندر کی جڑے ہیں جو بھی کرایہ ہے میں مدد لوگوں کو دوستوں ہمیں جو کام کرنا ہے میں ایک کرایہ کے طور پر لگا رہا ہوں کہ کسی خاص علاقے سے بول رہے ہیں اس کو جائے گا اس کو کھائے گا کھائے گا اس کو زیادہ نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں یہ کام کو دینا ہے ہم نے یہ بات کیوں کرنی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے دراصل دیوان کا کیا مطلب ہے اور ہمیں چوٹی ہمیں دے جانا ہے اور ہر طرح سے دے جانا ہے کہ وہاں ہم اس سے تیار ہو اور باطل کا مقابلہ کرو کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیا خیال آنے والے درخواست ہے کہ وہ اپنی رائے بھائی کریں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں اپنا ایک انجمن بنانا چاہیے یا نہیں یا پھر کرنا چاہیے دونوں پر کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہم لوگ جانتے ہیں ہم اپنے زمین کا گھر نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا کہ سب گھروں میں اور ایک مشن سے سب چیز دوسرے کام کو زیادہ خیال کرنے والے کہ لوگوں کو یا تو منتقل کیا جائے اور بغیر اور
کے بارے میں سنا اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی پانی پیا جس سے اعتراض نہ ہو اختیار نہ ہو ہم آئے والے ہیں مل کے رہے ہیں ہمارے جو معاملہ ہے
مشن ہے، ایک اہم مقصد ہے، ایک پیغام ہے، اس کے گھر میں ہمارے وہ پیغام کیسی دنیا تک قائم رہے گا، کامیاب بھی مل جائے گی، پہلے سے رہنا ہوا آپ بھی مل جائے گی، اس پیغام کی بنیاد پر ہمیں مستقبل ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اندر ایک ایسی جو تنقید معاملہ ہے چھوٹا چھوٹا ڈالو اور اس میں ہوتا کے لیے مطالعہ کے لیے ڈالو تو مطالعہ ڈالوں کے کھا جائیں گے تو کرانے کے بعد اس میں ہوگا جو مسئلے کے دارلوں سے مناظر میں بیٹھے ہیں، اس سے محبت بیٹھے ہیں اور اس کا ان کا خاص تعلق ہے، وہ سب ہم جو ہے تنظیم جو ہے پہلے سے جو ہے بنائیں اور بتائی ہوتے جائیں کہ اس ٹرین کو جان رہے ہیں، ہمیں کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں سے مقابلہ کر کے اگر چلتا ہے آگے بڑھا کر جو ہے ان کو جو ہے نیچے ڈھکیلنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے مسئلے کے دارلوں کا اور سب اور اس پر آنے والے دنوں کا دماغ کرنا ہے، اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس مسئلے کے درجے میں اس پر کس طریقے سے ہم دفاع کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کو اور حقیقت کو عوام کے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کا ذاتی دھنیہ کر رہا ہوں کہ الحمد للہ شہر بنگلور میں بڑا سب آتا ہے جو آپ سننا چاہتا ہے، آپ کرنا چاہتا ہے، آپ کو عمل کرنا چاہتا ہے، ایک بار سرکار کا تجربہ 25-26 سال کا اور آپ کے یہاں جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو پرانے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو موومنٹ ہے لوگوں نے طرح ہے حق کی اس طرح کے موقع ہے ہم ان کو جو ہے روزگار کرتے بھی ہم کو رکھا لیں گے تو ان شاء اللہ اس کو قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ عوام کرتے کرتے ہم ان کے ساتھ ہیں باتوں ہوتے ہیں اپنی جگہ ہے، تو ایک تو جو ہے تنظیم کی شکل ہو اس تنظیم میں جو ہے ایک مسئلہ کے حقہ کی بنیاد پر ہم کرے گا دور سے آپ کے لگ جائے ہیں کسی چیز میں ہمارا کوئی بڑا بڑا اختلاف ہے اس کو آگے جاتا ہے دور سے مزاج میں ہم اس کو رکھتے ہیں اپنے نظریات کے اختلاف کو رکھتے طور پر، اور دور سے جو اگلے کا ایک بڑا معاملہ ہے جب یہ تنظیم پہلے ہماری قائم ہو جائے تو اس کے بعد اگلے شریعت کا انتخاب کیا جائے تاکہ وہ ہمارا اگلے شریعت موقع ہو وہ اگلے دلت کے بنا نہیں ہو جیسا 20-25-50 ہے اور جمع کر دیا اس کے بعد جب ہمارے ساتھ پرانے بچے ہے ان کے سامنے اور اس کا نام پیش کر دیا گیا ان کے سامنے اور ایک بچے ہے اس کا نام پیش کر دیا گیا اور بچوں کے سامنے زیادہ بنایا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی ہندو بنایا گیا تو بچے کے آدمی میں طے کر لیا کہ بھائی مستقبل طور پر امیر شریعت منتخب ہو گیا، یہ امیر شریعت جو حاصل ہے جسے برہمن کی جانت ہے کہ 10-15% برہمن ہے لیکن مدیا آگے برابر ہوگا، اب تو الحمد للہ اس میں تبدیلی آگے تھوڑی تھوڑی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کوئی بھی حصہ ہمیں چلانی نہیں ہے، تو جیسے وہ 15-20 اسمبلی ہے جو ہے اپنے آپ کو اسمبلی کہہ کے ہندوستان میں حکومت چلاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے ہمارا نظام چل رہا ہے یہاں پر، تو ہم بھی روٹی کہہ کے آگے چل رہی ہے بلکہ ایک مضبوط طریقے سے اللہ کے مشورے سے پہلے اتحاد اور اتحاد کا پیدا کر کے اور ایک مستقل طریقے سے جو ہے تنظیم شکل بنا کے پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں بجٹ کا انتخاب کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، ہر طبقے کے لوگ جب تک اپنا کوئی امیر نہیں بنائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر پڑتا ہے جس کو ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے اختلاف اور سنچار ہوتی ہے، تو ہمارا ایسا مضبوط امیر ذریعے جو ہے مقرر کیا جائے جس کی پہچان ہو باہر ہو اور علماء اور عوام سب جو ہے ان کے پاس جو ہے قانون کو قائم ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کام صحیح طریقے سے ملے اس میں جو ہے ان شاء اللہ میرے شہر کو مقابلے طے ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فرض کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین کاٹنا ہے دارالعلوم دونوں میں ہماری درخواست پہنچانا ہے اور علماء کو بیانات میں کہنا ہے تو کیا حضرت ایسا پہنچ اور اگر یہ کہا تھا کہ ہمارے آپ کی ہم لوگ جو ہے یہاں طے کریں گے اس میں جو ہے اگر کسی دیر کا کام ہے میرا کام کے لیے اس کے سامنے نہیں کرنا ہے اور اسی طرح ہماری آپ کی مزید جو نظر ہوگا اسے سبزی دارالعلوم دیوبند میں بھی پیش کرنا ہے چاہے ہم ہمارے دیوبند یہاں پر جمع ہو گئے ہیں ہم لوگوں کے درمیان جتنے ہوا ہے آپ اس کے متعلق تو یہ ہماری مرضی آج جو طے ہوگا ان سے کام نہیں کرے گا اور ان شاء اللہ وہاں بھی رہے گا، اس کے متعلق آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں شریعت کے تعلق سے اور ہمارے جیون کے تعلق سے اور حالات آگے آپ کیا کرنا چاہیے اور آگے بات پہنچانا ہے چاہے یہاں جو لگا ہو چاہے گا ان جیون میں وہاں پہنچانا ہے، اس کے متعلق کیا ہے جن سے آپ سنواد کریں گے ان شاء اللہ بڑا پریشان ہوگا۔
وقت ایک بجے تک ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہی ہے. جو حضرات جو ہے اپنے نام اور اپنے خیالات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے؟ بتایا آپ رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, بتایا آپ رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, دلوں میں دکھ رکھتے ہیں بڑا دوست کا اللہ. محسوس رکھنا ہر بڑا سے, بتایا محسوس رکھنا ہر بڑا سے, خوشی میں آرام ہو گیا ہے بولنا. کہا ہے جسے آپ نے سنا لے ہونا, گھر میں آگ لگی ہے لڑکی کیا, یہ تو پرانی لگ ہے. اور دوستوں اتنی تکلیف اتنی تکلیف کی دوست ہوتی ہے, اپنے لوگوں سے ہوتی ہے, اسے دشمن سے کبھی نہیں ہوتی. بات کو ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے, ہم لوگوں نے سنا لیا ہے. اور کیا ہے ہم لوگ شہر کر کے مقابلہ کر جو ہے بڑا بنا جاتا ہوں جو ہے کیا کرتے تھے, ہم مقابلہ اس آدمی سے گئے جو ہمارے سے لائق ہے, ہم مقابلہ اس آدمی سے گئے جو ہمارے لائق ہے, بڑا ساری گاڑی جو ہے دام بتانے میں کہا جو ہے آپ ان لوگوں سے یعنی جو ہمارے مقام جو ہے ریڈی ہے, ان لوگوں سے مقابلہ کرنا منا رہا ہے, بڑا ہم مقابلہ کریں گے, مقابلہ کیوں کریں جو ہم سے ہمارے لائق نہیں. اس لیے دوستوں جو آج جیسا ہو رہا ہے جیسا کر رہا ہے, ہم لوگوں نے کو بیماری ہے جو ہے کیا ہے, ہماری بے بچی نہیں ہے, ہماری بے بچی ہو جائے, ہمارے گھر کی بے بچی ہو جائے, ہمارے والدین کی بے بچی ہو جائے, ہم کو آرام کر رہے ہیں, آرام کی بات کر دیں گے, لیکن جو ہمارے آرام کی بے بچی ہو جائے یا ہمارے جیون کی بے بچی ہو جائے یا اس سے جیون کے کسی جو ہے آرام لگانے والے کی بے بچی ہو جائے, ہم آپ کو آرام نہیں ہو سکتے. دوستوں دوسری بات یہ ہے جو ہے پالیدان کے نام ہر ایک کے اندر جو ہے ہم خود ہم لائق ہیں کہ ہر ایک پاری کے اندر جو ہے ہر پالیدان کے نام جیون کے لیے جا جا رہا ہوں دربار ہو یا اور جو بھی ہو, ہر ایک کے اندر ایک خود جو ہے درد میں رکھا رکھا ہوا ہے, نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم جاتے ہیں آپ کے گھر ہے دو سو ہم اس سے خود جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ کرنے جائیں گے. دوسری بات بڑی بات یہ ہے کہ جو یہاں آپ جو ہے بڑی بات یہ کہیں گے ہمارا مولانا بھی رہا ہے کہ ہم لوگ میرا آدر جینے جو ہے ہمارا جو چلے جانے والا ہو جو ہم لوگ کا آدر نکالنے والا ہو, سب سے پہلے ہم لوگ یہ کہیں جو آپ کے وہاں جوڑا لیا ہم لوگوں کو جوڑا لیا ہے, سب سے پہلے ہم لوگ اگر آپ سے اتفاق جو ہے تب یہ ہو رہا ہے کہ کام ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہو کہ سب ایک طرف چلے گئے تو ایک طرف چلے گئے کتاب ایک طرف چلے گئے سارا نہیں ہوتے ہیں کھانا
पंडित जी को बताइए उनसे कहीं मैयत करने जी बताइए लेकिन जब सभी को बता के बिहार में जो लाभ हुआ वो
वहाँ देने का मौका मिला और देखने के बाद इजाज हुए लेकिन ये हुई वहाँ जो वहाँ के औरना की नाम से जो बातें की थी तो इसमें कोई शक नहीं रह गया कि वो कौन है और क्या है। लिहाजा अब उनके जो मुसमानात हैं उनके जो सतावे हैं और उनकी जो नजरियात हैं इसको हमें समझने के लिए किसी किताब को देने की जरूरत नहीं है तो उनकी जबान गवाह है तो उनकी पुस्तक मेरी राय है काम बड़ा बनता है कि जो औरना बना है और दिमाग جو مولانا آتے ہیں اور حضرت مارا کے ساتھ یعنی حضرت امیر شریف کے ساتھ کسی پروگرام میں شرکت کرواتے ہیں تو ان کے نظریات سے جو مولانا کرام کو آگاہ کیا جائے وہ سرکار نے حضرت مارا نے فرمایا کہ یہ نہیں اور رفاقی کاموں کا بہانہ بنا کر وہ مولانا کو مبارک کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے نظریات باقاعدہ تحریری سکندر کو مولانا کو بتا رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جیسے نظری کے موقع پر حکیم المنتر کا اخبار حضرت مولانا حکیم نظری رام راجا نے یہ کتاب اس کے لیے دیا تھا لیکن یہ کتاب اس کے نام پر چھپا دیا گیا لیکن جب یہ تنظیم حضرت روانا کو معلوم ہوئی کہ یہ کتاب میں نے اس کے لیے دیا تھا اور اس کے نام پر چھپا دیا گیا تو حضرت روانا کو بہت تنظیم ہوئی تو مولانا سے ہٹانا اور اس کی تنظیم میں کسی کو مبتلا کرنا مولانا کے نام کے خلاف ہے لہٰذا ان کی تنظیمات جو ہیں اور ان کے جو مقابلے ہیں جن کی جو غلط فہمیاں ہیں یہ ہمارے مولانا کو معلوم ہونی چاہیے اور جو ہم آج اس پروگرام میں تجویز کر رہے ہیں اور جو ہم سرادار میں بات کریں گے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے مولانا ہے ان تک یہ بات پہنچے اس لیے کہ ہم کوئی متصور نہیں ہے یا ہم انہیں خارجی اقدام قرار نہیں دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اقدام ہو جائے اور دار دیوت اگر نام لیتے ہیں تو تمام بہت بھرا ہے اور ان کے ہر اعتبار سے ساتھ آ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ان کو موقع ملے وہاں دار دیوت کو بدنام کر دیں اور جہاں موقع ملے وہاں دار دیوت سے فائدہ اٹھائیں تو اس سلسلے میں جو ان کے ذریعہ ہیں وہ ہمارے اور ہمارے جہاں کو معلوم ہونی چاہیے اور جیسا کہ آپ کو تفصیلات ان شاء اللہ بعد میں مل جائیں گی کہ تعلیم شرکت کے بعد پروگرام کے بعد اسی طرح دیوت سے مولانا اکرام سے رابطہ رہا اور حضرت مفتی قریب صاحب بارنپوری رام سرکار روپ سے بات ہوئی تو حضرت مفتی قریب صاحب بارنپوری رام سرکار روپ نے فرمایا کہ اس پروگرام میں جو کچھ میں نے جس کی تھی وہ تو سب ہے آئندہ پروگرام کو اور پڑھا کے بتاؤں گا اس کے بعد جہاں کے جو ان کے بتا رہے ہیں اور جو ان کی نظریات ہیں ان تمام کو یکجا کر کے میں بات کروانا کروں ان کے جو بتاوے صحیح ہیں ان کو صحیح کہوں گا اور جو غلط ہے ان کے مقابلے میں کتاب دے دوں گا اس طرح کی بات ہونا ہمارے دیوبند میں صحیح ہے تو آپ کی کچھ تو بات ہے یہ ہم چھوٹے بچوں کی طرف سے نہیں یہ بڑے ہو کر اولوا کی طرف سے باقاعدہ اندیشوں میں یہ بات ہے کہ آپ کی ایسا کیوں کرتے ہیں تو لہٰذا جس کا احساس ہمارے حضرت شاہ صاحب کو احساس ہوا اور اپنے احساسات میں ہم سب کو آگاہ کروایا اور ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم دین کی قابل اور طریقے سے قابل کچھ کریں اللہ تعالیٰ ہماری کو دے دینا کو مسلم معذر علماء کرام میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹک صوبے میں جن کو ہم لوگ خاص طلب کرنے کے ذریعے اسپیشل ستارہ کرتے تھے آج وہ قابل نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو حامی کے ذریعے اسپیشل ستارے میں یہ بھی صاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن کریم میں تحریف کی وہ ایک محلے میں قرآن ہے وہ ایک بیداری ہے وہ ایک فاسق ہے جو قرآن میں تحریف کرے اور ان کی تعریف کرنے والے بھی مخالف اور ان کی تعریف کرنے والے بھی مخالف ان مخالفوں کا ہمیں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ملے گی تعریف کرے اور شہروں میں ڈالے یہ مخالف کا قرآن کرناٹک صوبے کا ابھی یہ شریعت اور پہلانے کے لائق نہیں ہے
हम भर जाएंगे, भर जाएंगे और हमें उत्तर करेंगे सक्रिय के पास जिसके से कारण अंजाम हुए। जैसा कि हमारा उन्होंने भगवान ने माफ फरमाया कि चल पटन में फटल है और फटल में हमें चाहिए याद रहना और हो और उसका हमारे और ऐसे भाई जो दारुल मदद से सारे हैं उनके साथ उन्होंने एक तस्वीर ली और उसने उसके बड़ा बड़े बेहतरीन तरीके पर उसको उसने लटकाया है और कितने मुसलमान आराम खाना के पेटों में भर रहे हैं और इनकी कोई खबर नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों उसका जो व्यवहार है और उसका जो कार्यकर्ता मामला अल्लाह के यहाँ का देगा उसका मामला भाजपा नहीं है किया। ये चीजें जो लोग जाते हैं वहाँ पर कम सकन होटल में देखते हैं फिर हमें आए अगर अन्य जिले की तस्वीर है लोग दो रंग हो गया और चार रंग हो गए थे भाजपा नहीं किया। ये लोग छोटे का शिकार हो रहे हैं हमारे किला नगर में चल महीने के हमला लेकर एक जगह आएगी उनका मंसूबा था कि वहाँ पर एक जमा खाना कामने किया जाए अलहमदुल्ला हमारे एक नौजवान ने साथी को उसकी खबर मिली वो खबर हमारे पास आई। मैं और मौलाना मुजम्मिल साहब अभी जो जगह कार्य निकल रहे वो और मैं हजरत मौलाना अक्सर हजरत मौलाना ने चार काम करता उनके पास इस खबर को ले आए। मौलाना ने बड़ा अफसोस किया अलहमदुल्ला वहाँ के नौजवानों की तहरीक की वजह से वो चीज खत्म हो गई। मैं आपको ये बात बताऊँ कि उनको जो हौसला था कि यहाँ पर जमा खाना बनेगा वो लोग ध्यान ले रहे थे और इसका मत में ये काम ले रहे थे चलिए चलिए जो हमारी तारीख में है जब कन्या चर्चा भी ये चले थे तो हमारे हमें इसके डालकर के जमा खाना करने की कोई आवश्यकता है तो बताओ ऐसा होता है कुरान जो अब इस्लाम आई है इसके ऊपर शुक्र का पता लगा हुआ है वो जमा खाना उसको जमा खाना नहीं कहेंगे उसको मस्जिद नहीं कहेंगे उसको मंदिर कहेंगे फिल्म मंदिर की इजाजत दे रहा है। मेरे दोस्तों ऐसे शब्द करने के लिए बहुत सकता है अब जमा सकता है। मेरे दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो अब लोग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और बात क्या है मेरे दोस्तों जब मेरे दोस्त जब मिलता है काम करता तो जब उनसे मुताबिक काम करेंगे जब उनके चलिए से जो है वो सत्ता में गए कुछ काम हासिल करने के लिए तो कहाँ के भाई कहाँ के कार्य हो जो उसने फरमाया कि अगर अपने कानून से कार्य हो कार्य तुम्हारे केवल अपने पास है फरमाया कि अगर से नाम लिया उन्होंने उसकी साइज का कार्य करी तो उन्ना का कहने लगा अरे उसको उसकी साइज कहते हो उसको साइज कहो इसलिए कि किसी मुस्लिम को उसकी कहना भी हो तो किसी की खिदमत के अनुसार खड़ा कर गुजारना पड़ेगा। आप बताइए कसम आपने आज उनको किसी ने भी हमें शरीयत जानती कि हमें अब मुख्यालय बनी के नाम से नाम से सफाई मांग होकर नहीं कहा होगा लेकिन अगर मारा बताया गए अगर मारा ने कई साल मारा उनकी जुबान से कह दिया वो अभी देखिए ये अशरफ अली दारुलों का इतना बड़ा काम है ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मुफ्ती सईद साहब खालिद के जुबान से निकाला जो उलमा जोरन की तहरीक करता है जो उलमा जोरन को जो है वो गालियां देता है ऐसे सख्त काम नजर नहीं देते वो कब्जे नहीं करेंगे। लिहाजा इनका ये है कि मैं तक मौला ने फरमाया कि अंजुमन कायम हो जमा हो हमारे तक इतिहास हो हम लोग जिएंगे और हम लोग जाएंगे अपने आदमी के चलिए तहरीक चलाएंगे हम लोग बताएंगे जो हमारे को क्या है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कीमती आरा हमारे सामने आती रही है। आदाब ज्यादा है और वक्त कम है नमाज के बाद इंशाअल्लाह काम का इंतजाम है जब तक वो होने तक यहाँ बैठकर हम जो है कुछ करारदादें लिखेंगे और उनको पढ़कर सुनाया जाएगा। उन करारदादों में करारदादों से जो मुतफिक है वो दस्तखत करेंगे और कोई उसमें और इजाफा करना चाहते हैं जैसे कि रिसाले की बात आई इस किस्म की और कोई चीजें उसमें ऐड करना चाहें मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पश्चिम लाल शुरू और आखिर की मजलिस नहीं है इसके बाद की मजलिस कहाँ मुनाकिब हो शुरू में हफ्ते हफ्ते करेंगे उसके बाद महाना उसके बाद बीमारी लेकिन मजलिस के अंदर हर चीज तय नहीं हो जाती इसके बाद की मजलिस के लिए कौन अपनी मस्जिद की यादगारी की या मदरसे की जगह देंगे
یہ تمام جگہوں سے آواز اٹھتا ہے, ہر جگہ پر ہم پہنچیں گے تاکہ کوئی ایک جو ہے مدرسے کا مدنی اور مسجد کا امام اور ایک جگہ وہ صرف سامنے نہ آئے بلکہ ان کے سامنے یہ بات کرو کہ پورا کرناٹک پوری دنیا اس مسئلے کے اندر متفق ہے. وہ بھی آپ جو ہے اظہار خیال فرمائیں کہ اگلی مسجد کب ہونی چاہیے اور کس جگہ پر ہونی چاہیے اور وقت کا کیا ہے, اس کا بھی آپ اظہار خیال فرمائیں. اپنا
دارو کی حضرت مختلف کرو اس سے بلاوا تو یہ چار بہار کے مختلف کرام کی دارکوں کے بدلے کا احترام کرتا ہے اور جب تک دارو کسی لاگت بدلے میں اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتی اس وقت تک ہم لوگ اس کو فیصلہ نہیں دیتے یہ ہم سے غلط کیا ہوتا تو حضرت کو بتوا چاہ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں تو کبھی باب نے بیان کیا ہے کہ یہ جماعت ہے یا اپنے یہاں ٹھہرا ہوا کھڑا ہے یا مقابلہ ہوگا مانا پت ہوگا سب کچھ ہر کلاس ہوتے رہیں گے تو اب جو راستوں میں شریعت کے نام پر ہم اس کا جو جہاز ہم نے دے رہا ہے یہ جہاز سارے میں حیات کر رہے گا Thank you.
بنائے جس میں اپنا خود نظر بھی لکھے ابھی ان شاء اللہ نماز کے بعد جو ہے کھانے کا رنگ ہے اس درمیان ساری صبح کر دو اس کو دہلی کی شکل کی جائے گی پھر آپ مذہب سنایا جائے گا پڑھ کر جو بھی علامہ مستقبل ہے اس کو اپنا دستخط اور اپنا پتہ لکھ کر خود نظر دیجیے اور میں آپ مذہب کو بتاؤں کہ جو ابھی مولانا صاحب صاحب نے کہا کہ وہ اگر مستقبل ہو جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مستقبل ہو جائیں گے بتایا جائے گا اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ پریاگ بڑھ جائے گی نماز کے بعد آپ سزا کر اس کو مستقبل کو بنائے گا اپنا دستخط بھی کریں اور اگر ہماری جو آپ کی نشی ہوتی ہے جو بھی ہمارا کرنا ہے دوبارہ ٹھیک کرنا آپ ہزار بتائیں گے کب کریں گے اور کہاں کریں گے اگر کوئی صاحب اپنے یہاں کروانا چاہتے ہیں اگر کوئی صاحب اپنے یہاں کروانا چاہتے ہیں تو کارکرم کو اپنی طرف سے دیکھ سکتے ہیں اگر مارکیٹ کا مارکیٹ کا علاقہ ہے بسن گل کا علاقہ ہے گول پڑ جاتا ہے کہیں حال بڑا ہے حال بڑا رہ کر کوئی مسجد مدرسہ ہونا ضروری نہیں ہے شادی خانہ ہے تو آپ اگر آپ کسی کے پاس لے آ رہے تو ہمارے گوڑی پڑ جاتی ہے کیا ملے ہمارے پاس بیٹے کی ہے لڑائی جو خالی ہے الحمد للہ وہاں ساری سہولیات ہے راج کرنے کا وضو کرنے کا بڑی وغیرہ کی سہولیات ہے وہاں بھی کر سکتے اب ماحول کی جگہ آیا ہے وہ جیسی بڑی جگہ ہے اور اشرف علی صاحب بھی وہاں سے ماحول کی جگہ آئی ہے سب یہ میرا سب آدمی بھی میرا آپ پوری ہوگی کوشش کرنے کے لیے بالکل
اور ایسے جملے استعمال کرنا ہمیں تو کام ہو رہا ہے کیونکہ علماء نے اختلافات ہوتے ہیں لیکن ایسے جملے کو امیر شریعت بدل دیجیے بدلنا چاہیے وہ ٹھیک ہے آپ بدلیں لیکن سامنے کو نہیں رکھے بھائی ہم آپ کی مستقبل نہیں ہے جی جی ہاں صحیح طرح مستقبل کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ مولانا جو کاروبار جو کرے اس میں ان شاء اللہ ہم لوگوں کو کریں گے ہدایت حضرت کے خیال سے ہم مختلف ہیں ان شاء اللہ اگلی مجلس میں علماء کرام کا ایک نمائندہ وقت ہم طے کریں گے اور ہماری مجلس کی جو قرار دادیں ہیں اور جو ہمارے ارادے ہیں عزائم ہیں اور پھر ان کو دارالعلوم دیوبند سے جڑنے کی جو بات ہے وہ حضرت کے سامنے رکھیں گے متفق ہوتے ہیں تو ہم کو یہ اعتراض نہیں ان شاء اللہ الحمدللہ بدائی سے مدرسہ ہو جائے گا اور نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان شاء اللہ آپ کے سامنے بات پھر کرا جائے گا قرارداد تیار ہو رہی ہے آپ اپنی نماز کی جو ہے تیاری کروا لیں نماز کے سنن و نوافل کے بعد دس منٹ کے لیے بیٹھ جائیں قرارداد کا جو ہے وہ دستخط لینے ہیں اور اس پر سنایا جائے گا ویسے اسلام کے اعتبار سے صحیح بات یہ ہے کہ امیر شریعت صاحب کے سامنے موقع پر رکھا جائے جیسا کہ آپ نے ظاہر خیال کروایا چلو بھی پر اگر نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ حضرات مستقبل ہیں کہ امیر شریعت کو بدلا جائے نمبر دو ہمارے اپنا قدیم دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند کے جو خزاندان ہیں ان کی تقریباً جاننی چاہیے نمبر تین دارالعلوم دیوبند کے اکادمی تک ان کے موقع کو واضح کر کر جو موجودہ وفاق کی چادر روڈ کر وہ جو گئے ہوئے ہیں طلبا ان کے بارے میں اپنا وہ ادارے خیال کرنا چاہیے اور جو آئندہ ان لوگوں پر حیات پابندی کی بات کرنی چاہیے ابھی کرنی چاہیے اور ایک جو ہے وہ رسالے کی بات جو ختم ہوتی ہے وہ اور مجلسیں ہیں اور نسلی پر لگا وہ بات کو جب بھی قائم ہو جائے گا ابھی نسلی اگر جو حضرات وقت کم رہتا ہے اور خیالات زیادہ رہتے ہیں تحریری طور پر اگر مشینیں بھی بنانا چاہیں تو 19 جنوری کو ماہوی میں نسل کے سامنے جوان ہے وہاں پر ہے وہاں پر ہوئے سنا ہے یہ جو ہے وہ